ये सामने सामने ऐसे घुमा घुमा सामने दिखेगा ना, देखता जाएगा वायर आवाज ब्रेक चेक कर लेना ठीक है। रिसर्च प्रोसेस विल डिस्कस फॉर टुडे। रिसर्च प्रोसेस में सबसे पहले हमने ये ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दी रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्शन है ना। जिस प्रॉब्लम सिलेक्शन है प्रॉब्लम सिलेक्शन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन once you have done this problem selection तो कई दो चार स्टेप्स हैं हम लोग how we can identify that on which topic we will do the research simple है। इसमें तो आपने already बहुत सारे ideas हमने discuss किए हैं। once you have selected the problem then what next after the problem what is the next you have done the selection identification the problem using the different strategic methodologies hai na। Now we have to define that the research problem is associated with whom next kya rahega research problem related to whom now what is the population can anybody define what is the population see population is not always the individuals hai na humans they could be it is the set of all the ठीक है items candidates ठीक है subjects models whatever you are taking if you are talking about in a holistic way na in a holistic that is the population so what you have done one is you have identified the problem another thing you have done the target population ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें आपको आपकी जो प्रॉब्लम है उसका ठीक है किससे कंसर्न है कौन सा टारगेट है उससे आप बात करेंगे। नेक्स्ट क्या आएगा व्हाट विल बी द नेक्स्ट इन द रिसर्च प्रोसेस इज वी कांट डील विद द होल पॉपुलेशन पूरा का पूरा हम टारगेट पॉपुलेशन के साथ स्टडी तो नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं नहीं ठीक ओनली व्हेन वी डू द सेंसस ठीक है सेंसस किया जाता है इट यूज्ड टू बी डन इन 10 years
हर 10 ईयर्स में किया जाता है। इट रिक्वायर लॉट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एज वेल एज मनी, बहुत सारा टाइम मनी और सारी चीजें जो है लगती हैं इसमें। लेकिन क्या आपको पता है कि एट दिस मोमेंट, ठीक है, अगर हम इस मोमेंट बोलें कि देश की पॉपुलेशन क्या होगी, कैन वी टेल विदाउट डूइंग द सेंसस? बोलो। या दिस इज बेस्ड अपॉन द प्रिडिक्शन, है ना, ग्रोथ रेट के हिसाब से। प्रिडिक्शन, डेथ एंड मॉर्टेलिटी रेट एंड बर्थ रेट सभी को इंक्लूड करते हुए दे डू द प्रिडिक्शन, बट एक्चुअल डेटा वी गॉट फ्रॉम दी सेंसेस। दैट्स वाई इट रिक्वायर द ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, रिसोर्सेज, एवरीथिंग। सो हियर वेन एवर यू वॉन्ट टू डू द रिसर्च, वी कॉन्ट डू ऑन दी होल पॉपुलेशन, ठीक है। सो विल डू गो फॉर दी सैम्पल। नाउ व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी सैम्पल्स एंड पॉपुलेशन? यस, व्हाट इज द पॉपुलेशन? यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड सैम्पल। पॉपुलेशन इन होलिस्टिक वे इट शुड बी द सेट ऑफ ऑल दी आइटम्स, मॉडल्स, है ना, कैंडिडेट, सब्जेक्ट्स, वॉट एवर यू कैन से, दिस इज द पॉपुलेशन। एंड सैम्पल इज वॉट? अगर हम इसको पॉपुलेशन बोलेंगे, है ना, सो वॉट इज द सैम्पल? सैम्पल इज पार्ट ऑफ दिस पॉपुलेशन, ठीक है। राइट, नाउ व्हाट करेक्टरिस्टिक्स सैंपल शुड हैव? हाउ यू कैन टेल दिस पर्टिकुलर सैंपल इज गुड और नॉट, मीन्स इफ इट इज रिप्रेजेंटिंग दिस पॉपुलेशन और नॉट, हाउ कैन बी दैट? सपोज व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ इंडियंस? एनीबडी कैन टेल? बोलो, किसी को पता है? 60 तो बहुत पहले थी, 68 समथिंग, 67, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग भी जस्ट एज्यूम इज 66। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यू जस्ट ट्राई टू गेट ए डेटा फ्रॉम ए प्लेस, एनी प्लेस, एंड क्या करना होगा, जस्ट सी द एवरेज लाइफ स्पेन, मतलब जो है बहुत सारी मोर्टेलिटी हुई होंगी, डेथ हुई होंगी, नेचुरल डेथ, कैलेमिटी वाली नहीं देखते हम लोग, ठीक है। अब वहां पे क्या देखेंगे हम लोग, यहाँ पे व्हाट वी नीड टू सी, एवरेज लाइफ स्पेन कितना रहा उस एरिया का, पूरे देश का तो नहीं है, उस एरिया का कितना रहा। सपोज वी गॉट 60, आ सकता है एवरेज 60। नाउ कैन वी से दिस पॉपुलेशन इज बिलोंग्स टू दिस सैंपल, इज बिलोंग्स टू दिस और नॉट? कैन वी से और नॉट? बोलो ना, 60, 66, ये वाला एसी पॉपुलेशन बिलोंग करता है कि नहीं? हाउ वी कैन आइडेंटिफाई? अगर सपोज कर दो, इसमें दो चीजें हो सकती हैं, वी कैन से ओके, आई आई से दैट दिस पर्टिकुलर द डिफरेंस इज बाय चांस, ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में स्टेटिस्टिकल डिफरेंस नहीं है, दिस इज जस्ट डिफरेंस जस्ट बाय चांस, है ना। अगर आपने क्या करा कि वहां पे मोर्टेलिटी डेटा रिकॉर्ड किया, 10 लोगों का आपने रिकॉर्ड किया, ठीक है, और आपको 60 आ गया, लेकिन एक दो लोगों की पता नहीं थी, वहां पे इंफॉर्मेशन नहीं थी कि वो दो लोग भी, उनकी डेथ हुई थी उस टाइम पे, और रिकॉर्ड नहीं मिला उस टाइम पे, ना, पता चला गया इनका रिकॉर्ड मिल गया होता तो आपके पास सेम आ जाता, ठीक है, आपने बाद में कैलकुलेट किया 66 ही आ। दैट मीन्स ये सैंपल जो आपने आइडेंटिफाई किया, दैट सैंपल एक्चुअली बिलोंग्स टू दी
पॉपुलेशन विच टेल्स अबाउट द एवरेज लाइफ इज 66, ठीक है। एक चीज तो ये हो सकती थी, दूसरा ये भी हो सकता था कि जो पॉपुलेशन की जो लाइफ आई है 66, वो क्या हो सकती है, सैंपल, ठीक है, 60 है मैंने बोला। अब देर में भी यू हैव डन ऑल एफर्ट्स, सब कुछ करते हुए आपने देखा नहीं जी ये तो 60 ही आ रहा है, ठीक है, जबकि एवरेज 66 है। आपने कहा यार ऐसा करते हैं, दूसरी जगह का ले लेते हैं, थोड़ी दूर जाके देखा आपने, वहां पे भी 60 आ रहा है, ठीक है, और किसी एरिया को पिक किया, वहां पे देखा 60 आ रहा है। दैट मीन्स जो सैंपल आप उठा रहे हो, जो एरिया आप सिलेक्ट कर रहे हो, दे आर नॉट ट्रूली रिप्रेजेंटिंग दिस पॉपुलेशन, ठीक है। कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे टू आइडेंटिफाई दिस, बताओ रोहित, बोलो, समझ तो गए ना तुम, क्वेश्चन तो समझ में आया ना, कि हमारा जो टारगेट पॉपुलेशन है, ठीक है, ये जो सैंपल आया इसी से आया कि नहीं आया, ठीक है, तो हमें स्टेट्स का एनालिसिस लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंडिंग स्टेटिस्टिक की जरूरत पड़ गई हमें, टू आइडेंटिफाई दिस सैंपल इज रिप्रेजेंटिंग दिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन और नॉट, ठीक है। पहली स्टेज पे रिसर्च प्रोसेस की हमें पता चला कि हमें स्टेटिस्टिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी, नहीं तो हमारा यहीं के यहीं रिसर्च खत्म हो जाएगा, ठीक है। समबडी विल कम एंड डू दी स्टेट स्केल एनालिसिस एंड विल से दैट दिस सैंपल इज नॉट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन एंड वॉट एवर द क्लेम्स यू आर मेकिंग दैट इज दी वेग ओनली, है ना, ठीक है, वेग है, क्लेम बोल दिया ना कि वेग है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, लॉजिक ही नहीं है, तो आपकी स्टडी यहीं की यहीं खत्म हो गए, ठीक है। नाउ हम क्या कर सकते हैं, कौन सा टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा, पता है आपको कुछ थोड़ा बहुत। अब हम ऐसा करते हैं, आगे जाने से पहले आपको ये समझा दें कि कौन सा टेस्ट कब क्यों कैसे लगना है, क्योंकि स्टेटिस्टिक आपने देखा कि जैसे ही हम सेकेंड स्टेज में आए हमें जरूरत पड़ गई, इसका मतलब है स्टेटिस्टिक एनालिसिस की जरूरत कब पड़ गई है, बताओ। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि जब व्हेन यू विल हैव द रिजल्ट्स, आपके पास रिजल्ट्स हैं, नाउ वी विल गो फॉर स्टेट स्केल एनालिसिस, है, हम स्टेटिस्टियंस के पास कब जाएंगे, अगर हमें स्टेटिस्टिक नहीं आती है तो हम कब जाएंगे स्टेटिस्टिक, बोलो, नॉर्मली कब जाते हैं, हाँ जब नॉर्मली हम जाते हैं, जब रिजल्ट आ जाता है फिर मैं स्टेटिस्टियंस को ढूंढते हैं कि इस पे थोड़ा सा स्टेटिस्टिक लगा दीजिए, हमारा पब्लिकेशन हो जाए, ठीक है, वो लगाते हैं स्टेटिस्टिक, कहते हैं कि इसमें ना ये प्रॉब्लम आ रही है, ये दिक्कत आ रही है, ठीक है, नाउ व्हाट विल डू, हाँ रॉ डेटा ले लिया, ठीक है, अब हम क्या करें, उसने बोला कि आपका जो रिजल्ट है उसमें जो ए और बी है इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इज कमिंग, ठीक है, दैट मीन्स आपने बोला था कि ए जो यूजुअल प्रोसेस है और बी आपने नई प्रोसेस बनाई है, वो दोनों प्रोसेस सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आपने 1-2 साल जो भी लगाए वो जो है आपका रिजल्ट बेकार हो गया, रिजल्ट कभी बेकार नहीं होता। आप ये भी कह सकते हो कि जिस तरीके से हमने ये किया है उस केसेस में बी और ए के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता, तो दूसरे का टाइम बच जाएगा, उसको काम नहीं करना पड़ेगा, बता देगा कि भाई ये स्ट्रेटजी जो है सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं लाता, ठीक है। तो यू ओनली कैन डू दी पोस्टमार्टम, व्हाट इज पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम क्या होता है, पोस्टमार्टम इज टू डू दी असेसमेंट ऑन द बॉडी जस्ट टू नो व्हाट कॉज ऑफ डेथ, ठीक है, खाली हमें क्या पता चलेगा, कॉज ऑफ डेथ पता चलेगा। सिमिलरली जब आप स्टेटिस्टिकल एनालिसिस रिजल्ट लाने के बाद लगाओगे तो आपको क्या पता चलेगा, कॉज ऑफ फेल्योर, कि आपका एक्सपेरिमेंट कैसे कैसे फेल्योर हुआ है, ओनली दैट यू कैन डू, नथिंग एल्स,
और कुछ नहीं पता चलेगा ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? वी नीड टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेट्सकल एनालिसिस एट द फर्स्ट स्टेप, ठीक है? तो हम लोग उसी की बात करेंगे। अब स्टेट्सकल एनालिसिस हम करते क्यों, व्हाई वी आर डूइंग, रीजन क्या है? देखो होता है क्या है, अगर हम मान लो कुछ ना करें, सिर्फ वेइंग बैलेंस ले लें, बैंक बैलेंस यूज की होगी आप लोगों ने, हाँ? कितनी बार, अगर आप 10 बार वे करो, आपको क्या लगता है कितना वेट आएगा? सेम आएगा, मान लो 70 मान लेते हैं हम, तो हर बार 10 बार में 70 आना चाहिए, वेट तो 70 ही है, बोलो आना चाहिए नहीं आना चाहिए? क्योंकि वहां तो कोई ऐसा नहीं है बायोलॉजिकल वेरिएशन कुछ आ रहा है, तो मशीन एरर है, ठीक है, सेम नहीं आएगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर है, और हम फिक्स कर देते इतना एरर इज अलाउड, कितने डिजिट तक, डिपेंडिंग अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ द इक्विपमेंट दैट कैन बी फिक्स्ड। अब ये सोचो, जब आप ये मशीन है, सिर्फ वेइंग मशीन है, उसमें वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है, जबकि ऑल कंडीशंस डाल देते हैं, इसी रूम में मशीन रखी और वे करके हमने देखा और उसमें डिफरेंस आ गया। नाउ हम बात करते हैं ह्यूमन कैंडिडेट की, ठीक है, ह्यूमंस की बात करते हैं। कुछ नहीं करना है हमने, जस्ट डू वन थिंग ओनली, हम लोग सेशनल एग्जाम कर रहे हैं, है ना? सेशनल एग्जाम में जस्ट एक को ये बोलना है, एक अनाउंसमेंट करना है कि आज का सब्जेक्ट, आज का पेपर जो है बहुत कठिन है, ठीक है? फिर आप हार्ट रेट मेजर कर लो, ठीक है? किसी ने अनाउंस कर दिया कि जस्ट मैं, मुझे देखने का मौका मिला, या टीचर ही ने बोल दिया बेटा आज तो तुम्हें, ठीक है, वो कौन सा आता है, आटा दाल का भाव पता चल रहा है, क्या बोलते हैं, ठीक है, आज पेपर जो है कुछ अजीब सा ही आया, फिर आप हार्ट रेट मेजर करो, किसी की 72 आएगी, किसी की बढ़ जाएगी, है ना, कोई जो है पल्स रेट कम हो जाएगी, पता लगेगा वो डाउन हो गए, इस तरह के वेरिएशन मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते? क्यों मिल रहे हैं ये वेरिएशन? स्टेटमेंट तो आपका सेम है ना, आपने तो यही बोला है ना, आज का पेपर थोड़ा सा अलग से है, कठिन है ना, लेकिन आपने देखा कि एक बच्चा होगा 72 है, ही इज वेल ट्रेंड फॉर ऑल दी सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, इसलिए मॉक टेस्ट या जो भी है ऐसे तरह से वो अपने आप का वेल प्रिपेयर्ड है, दूसरे जो है सेंसिटिव है, किसी का बढ़ जा रहा है, किसी का कम हो जा रहा है ना, समझा वो? तो यहाँ पे अब जिसका कम ज्यादा, दे आर एबनॉर्मल, नहीं दे आर दी नॉर्मल ओनली, ऐसा तो नहीं है कि वो बंदे जो हैं दे माइट हैव दी डिफरेंट डिसऑर्डर्स, नहीं ऐसा भी नहीं है, दैट मीन्स जो हमारा बॉडी मेकअप है, कंपोजिशन है, दैट हैव बाउंड टू हैव द वेरिएशन, ठीक है? तो हमारे अंदर वेरिएशन आने ही आना है, बिकॉज ऑफ जो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है ना, एंजाइम एक्टिविटी है, फार्माकाइनेटिक्स है ना, कुछ लोग जो हैं जिनके एंजाइम ज़्यादा हाइपर एक्टिव, किसके कम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट है ना, इपीजेनेटिक इन्वॉल्वमेंट, एनवायरनमेंट फैक्टर, बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं एक ह्यूमन की आउटकम्स को, कोई भी पैरामीटर को स्टडी करेंगे, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल रेंज जो है, मतलब बंदा हेल्दी है, कोई बीमारी नहीं है उसको, ठीक है, उसकी हमने हार्ट रेट मेजर की, किसी की 68 आई, किसी की 74 आई, ठीक है, सो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दी नॉर्मल रेंज, ठीक है? तो बंदा बीमार नहीं है, नेचुरल सी बात, कोई उसको डिजीज नहीं है, तो उसका जो हार्ट रेट आ रहा है वो वेरी कर सकता है, वेरी मैंने बता दिया, बहुत सारे रीजन है, ठीक है? तो ये रीजन जो भी, अब आप किसी का आपको 74 मिला, दिस इज डिफरेंस ओनली बाई चांस, अदरवाइज ऐसा नहीं है वो, उसके अंदर कोई अबनॉर्मलिटी है, राइट? अब सिमिलर चीज आप ये सोचो कि जब आप स्टडी करोगे, सपोज करो ब्लड शुगर पे स्टडी कर रहे हो, तो आपके पास एक फॉर्मुलेशन ए है, एक फॉर्मुलेशन बी है, बताओ, तो जब आप ए फॉर्मुलेशन दे दोगे, इसको मान चलते हैं कि प्लेन फॉर्मुलेशन है, देयर इज नो मेडिसिन इन दैट, ठीक है, इसके अंदर क्या नहीं है, मेडिसिन, और आपने क्या करा, इसको दे दिया ये को, तो शुगर लेवल कुछ आएगा,
बोलो अलग अलग इंडिविजुअल्स। एक आपने मेडिसिन दिया जिसके अंदर मेडिसिन है, इंसुलिन है, फॉर्मुलेशन है, तो उससे कुछ शुगर लेवल आएगा, है ना? ठीक है, अब क्या लगता है आपको, जिसको आपने जो इंसुलिन दिया है सेम हो गया सबके शुगर में, सेम कम होगा? नहीं। ऐसे ही इसमें जिसमें नहीं भी दिया है, ठीक है, उसमें भी क्या आपको सेम दिखेगा? नहीं। कुछ में हो सकता है कि शुगर लेवल आपको डाउन दिखे, बट ट्रीटमेंट तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे किसी में डाउन कम हो, किसी में ज्यादा हो, किसी में ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है कि चेंज नहीं है, ठीक है। देयर कुड बी दिस थिंग, ऐसे ऐसी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो जब भी हमें अब देखना है अल्टीमेटली क्या है, यहाँ पे क्या है, वेरिएशन है, वेरिएशन बाउंड टू हैपन बिकॉज ऑफ वन। यहाँ पे वेरिएशन किस वजह से है, इंडिविजुअलिस्टिक वेरिएशन, बिकॉज यहाँ पे ट्रीटमेंट तो है ही नहीं, है ना, ट्रीटमेंट तो हमने दिया ही नहीं है, देन ऑल ओवर वेरिएशन इज देयर, दिस बिकॉज ऑफ पीपल्स नाउ हियर। यहाँ पे वेरिएशन है बिकॉज ऑफ वॉट, बोलो। यहाँ पे शुगर में वेरिएशन है बिकॉज ऑफ वॉट, टू थिंग्स हियर, वन इज क्या है, आपने इसको ट्रीटमेंट दिया है, ठीक है। कोई शुगर लेवल को ज्यादा डाउन करना करता है, कोई कुछ करता है ना, इंडिविजुअलिस्टिक। तो दो चीजें इसमें यहाँ पे हैं वेरिएशन कॉज करने के लिए, वन इज दी ट्रीटमेंट एंड अदर इज द इंडिविजुअल इटसेल्फ, उसकी बॉडी कंपोजिशन में, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज हमें याद रखना है कि इफ देयर इज ए वेरिएशन, अगर वेरिएशन इन्वॉल्व है, देन ओनली वी नीड टू थिंक अबाउट द स्टेट स्केल एनालिसिस। इफ देयर इज नो वेरिएशन, नो नीड ऑफ डूइंग एनी स्टेट स्केल एनालिसिस, ठीक है। वेरिएशन इन्वॉल्व है दैट मीन्स इसको मेजर करने के लिए कोई पैरामीटर होगा, कैलकुलेट करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएंस। क्या बोलते हैं? वेरिएंस, ठीक है। सिंस वेरिएशन इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्टेट स्केल एनालिसिस, देयरफॉर वेरिएंस इज द की पैरामीटर, ठीक है। वेरिएंस इज द की पैरामीटर फॉर द स्टेट स्केल अंडरस्टैंड। अब वेरिएंस से ही हम आपको बता देंगे कौन सा कब टेस्ट लगना है, ठीक है, और कुछ ज्यादा जानने की जरूरत ही नहीं है आपको। खाली वेरिएंस अगर आपको पता चल गया तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कौन सा टेस्ट, और वेरिएंस के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है। वेरिएंस का मतलब क्या हुआ? डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस आपका हो सकता है। सपोज डिफरेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लो आपने क्या है अलग अलग ऑब्जर्वेशन मेजर की, तो उसको हम लोग एक्स आई बोल देते हैं, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। एक्स आई की वैल्यू कुछ 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 भी हो सकती है, ठीक है। दूसरा, जब आप एवरेज लोगे, आपको एवरेज, ठीक है, सभी का एवरेज होना क्या चाहिए, जो एक्स वन है X10 तक हम बात कर लेते हैं, इनकी वैल्यू इसके एक्स बार के आसपास होनी चाहिए, ठीक है ना। अब वो जितनी डिफर करेंगी दैट इज वेरिएशन। तो XI-X1 इज द डेविएशन, ठीक है, वेरिएशन नहीं है, इट इज द डेविएशन, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं हर वैल्यू अपने मीन से कितना डिफर करती है, तो हमें क्या करना है, हमें वी नीड टू हैव द XI-X1, ठीक है। एवरी वैल्यू, हर वैल्यू कितना डिफर कर रही है, डिफर तो दोनों कर सकती है, प्लस वाली भी माइनस वाली, ठीक है। जब हम एवरेज निकालेंगे, एवरेज कितना डिफर करेगा तो क्या आएगा, आपको आप सोच सकते हैं, जब हम इसकी बात करेंगे सिर्फ सम, बोलो XI-X1 निकालो और उनको सम कर दो, क्या आएगा, मीन से कुछ वैल्यू ज्यादा होगी कुछ कम होगी। जैसे मीन हमारे ये है, ये लाइन मीन की है, ठीक है। तो सपोज करो आपकी कुछ वैल्यूज ज्यादा है, ठीक है। अब मीन सिंस ये लाइन आई है, इसका मतलब ये लाइन तभी आएगी जब कुछ वैल्यू इधर और इधर होंगे, बोलो। अगर आप इनका सम करोगे तो क्या आएगा, है डेविएशन। अगर हम इसकी डेविएशन निकालेंगे, इसकी इससे न्यूट्रलाइज हो गई, इससे इससे इसकी न्यूट्रलाइज हो गई, ठीक है, तो डेविएशन विल बी द जीरो, ठीक है। नहीं तो हम करके देख लेते हैं, बहुत सिंपल तरीका, करना है कर लेते हैं,
हम लोग क्या करते हैं, इसकी एक्स आई की वैल्यू दे देते हैं, ये आपका मान लो इसमें ब्रीदिंग रेट, या हम ब्रीदिंग रेट ही ले लेते हैं, ठीक है। कोई कोई जो है 30 सेकंड तक सांस रोक सकता है, रोक सकता है, नहीं। वैसे तो 12 से 14 है, लेकिन हम चलो इसको कम में ले लेते हैं, 3, 5, 4, 6, ठीक है, ये वैल्यू है। या हम ले रहे हैं ब्लिंकिंग रेट, आई ब्लिंक कर दी है, इस पे एक्सपेरिमेंट करना हो तो क्या करना पड़ेगा बोलो? आई ब्लिंक करना है तो मैं एक्सपेरिमेंट दे दिया, कैसे करोगे? हाँ, आप अपनी बता दो, कितनी बार ब्लिंक करती है बोलो? हाँ, काफी कितनी बार? काफी नहीं है, यहाँ तो स्टेट्स का एनालिसिस कर रहे हैं, और स्टेट्स का एनालिसिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसकी नंबर्स में आइडेंटिफाई, भले ही आपका काफी बोलोगे, देन आल्सो यू हैव टू कन्वर्ट इट टू द नंबर्स, ठीक है। तो कितनी होगी लोग ब्लिंक, आई ब्लिंक करने वाले? कुछ भी बताओ, 10 12 8 10 है, 8, ठीक है। और बताओ, तुम बताओ जोशी जी, बताओ कितनी बार आई ब्लिंक कराते हो 1 मिनट में? कर ठीक, हाँ तुम बताओ। 15, अच्छा चलो, 15 का मतलब क्या है कि वॉच लो, ज़्यादा कुछ बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं है, वॉच रख लिया या किसी को बोल दिया, वहाँ पे सामने कैमरा रख दिया सेल्फी मोड में, ठीक है। तो 15 बताया रोज ने, इसका मतलब 4 सेकंड के अंदर एक बार ब्लिंक कर दे, है ना, 4 सेकंड। अब आप देख लो, 4 सेकंड काउंट कर लो, 1 2 3 4, क्या ब्लिंक करी? नहीं करी, है ना। तो दैट मीन्स 15 तो नहीं होगा, कम ही होगा, ठीक है। हम यही मान लेते हैं कि ये आपकी आई ब्लिंकिंग रेट है, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट कभी भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं, कोई दूसरे को बोल दो वो कर लेगा, वो कुछ नहीं करेगा, तुम बात करते रहो, कैमरा यहाँ लगा दिया, आपसे डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा, नहीं तो आप कॉन्शियस हो जाओगे, फिर ब्लिंकिंग रेट बंद हो जाएगी, है ना। और इसका एवरेज कितना आएगा, 1 2 3 कितने, 4 5 है, तो 5 आ रहा है, इसका एवरेज कितना आ रहा है, जोड़ो कितना है, 5 5 10 20 आया, 4 आ गया है, बोलो एवरेज कितना, 4 आया ना, तो अपन 4 कर लेते हैं यहाँ पे। अब एक्स आई माइनस एक्स बार करो, कितना आया, -2 -1 +1 0 +2, यही था। सम करो कितना आया, समेशन करो कितना आएगा, ये सम करना है भाई, वो नहीं करना है। तरुण जोड़ रहा है अभी तक, हाँ तरुण बताओ कितना जोड़ा, जल्दी बताओ फटाफट, बार लग गई बार कहाँ लगा, बार मीन्स मीन है, एक्स बार मॉडल्स नहीं है, वो ऐसे लगाया जाता है, ऐसे वाला, ठीक है। यहाँ ये बार मीन्स मीन है, मीन तो हम यहाँ की बात नहीं, यहाँ की कर रहे हैं, ये कितना है, इसको डी मान लेते हैं, डी डी कितना है, डी मीन्स डेविएशन कितना है, सम ऑफ डेविएशन कितना है, सब जोड़ दिए कितना, 0 आया, ठीक है। लेकिन तुम्हारा ये डेटा वेरी तो कर रहा है ना, सेम 0 मतलब इस पे होना चाहिए था, यहाँ पे, यहाँ तो नहीं है, वेरी तो कर रहा है, दैट मीन्स कि दैट इज नॉट परफेक्ट पैरामीटर टू एड्रेस। व्हाट वी डू जस्ट स्क्वायर इट, 4 1 1 0 4, ठीक है, 8 10 आ गया। तो हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, देन टेक द एवरेज, दैट इज द वेरियंस, ठीक है। ये फॉर्मूला है वेरियंस का, एक्स आई एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, एन नंबर है जितना आपके कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो ये आपका किसका फॉर्मूला है, वेरिएंस का, है ना। अब वेरिएंस हमने आपको आगे हम डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ आपको वेरिएंस के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये प्रोसेस इन्वॉल्व कैसे होती है, बोलो समझ में आएगा नहीं आएगा, है बोलो, वेरिएंस से कनेक्ट कर गए नहीं कर गए?
वेरिएंस क्यों आता है? वेरिएंस, अब तुम कोई भी जो आपने देखा है, जो दूध के पैकेट हैं, कितना आता है उसमें? आधा लीटर का पैकेट है तो कितना आएगा? हाँ है, कितना? 450 नहीं होगा, 500 है तो 500 होना चाहिए। कभी तो नाप के देखा आपने? ठीक है, दैट मीन्स आपके पास मशीन एवरीथिंग है, परफेक्टली मेजर होना चाहिए। बट आपको यहाँ भी वेरिएशन देखें, लिमका पेप्सी के वो देखें कैन, ठीक है, घी का डिब्बा, एनी थिंग यू जस्ट सी, है 1 ML का, अगर वो जो क्या बोलते हैं तुम लोग वो लेते हो, अरे समोसे के साथ सॉस, छोटा पैकेट है उसका, उसमें वेरिएशन आता है। ठीक है, वेरिएशन इज एवरीवेयर। ठीक है, अब कितना अलाउड है, परमिट क्या है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि जो अल्टीमेटली जो पैरामीटर आपका है वो है वेरिएंस, ठीक है, बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो इसके अंदर कितनी चीजें हैं? ओनली वी हैव 3 थिंग्स। क्या है? एक आपके पास एक्स आई है, एक एक्स बार है, एक एन है, ठीक है। अगर 3 चीजों के बारे में आपको पता है तो आपका स्टेटिस्टिकल एनालिसिस तो समझ में आ जाएगा। एक्स आई क्या है? बहुत जरूरी है। एक्स आई क्या है? ऑब्जर्वेशन डेटा। ये क्या है? ऑब्जर्वेशन या डेटा, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, कैसे आता है, क्या आता है ना, कैसे इस पर हम वर्क करेंगे वो अलग बात है। अभी हम सिर्फ इतना जाने कि एक्स आई क्या है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन को जब प्लॉट करोगे देख, वो डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, है, हर ऑब्जर्वेशन इज फॉलो ए पैटर्न, इट इज कॉल्ड ए डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का हो सकता है? हम लोग ज्यादातर दो की बात करेंगे, एक तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसको हम क्रॉस मार दें। बोलो, दो ही चीजें हम कोशिश करेंगे समझने की, एक जो ऑब्जर्वेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो या तो नॉर्मल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, या नॉट नॉर्मल। क्या आपको पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इक्वली नहीं है। इट फॉलो ए पैटर्न। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आप देखोगे ना कभी, तो वो कर्व क्या होता है, इस तरह से शुरू होगा, फिर डिफ्लेक्ट होगा थोड़ा सा, ठीक है, फिर थोड़ा सा होगा। क्या आपने जो मंदिर का बैल घंटा होता है ना, उसको देखा कभी? दैट इज द परफेक्ट शेप फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें दो चीजें होती हैं, हमने बहुत अच्छा तो नहीं बनाया, कोशिश करता हूँ। यहाँ पे बीच में एक लाइन है, दैट इज ये वाला सिमेट्री बताता है वो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कर्वेचर है और फिक्स कर्वेचर है, ठीक है। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? जैसे दूसरा बना दे, मान लो ये वाला है, ये भी बड़ा सिमेट्रिकल है, या हम ये बना दें, सॉरी, ठीक है, या हम ये बता दें, यह बहुत अच्छा है। अगर हम ऐसे, मतलब हम ये कह रहे हैं ये सिमेट्रिकल है, आप एज्यूम कर लीजिए 20 से डिवाइड करो तो इक्वल में जा रहा है, सिमेट्रिकल है, बट नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो व्हाट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इट फॉलोज ए पैटर्न, ठीक है, इन विच देयर इज ए डेविएशन एट ए फिक्स इंटरवल। और वो भी जो आपका, अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाए, दस बज गया, एग्जाम तो नहीं है, एग्जाम तो नहीं है भी किसी का, ठीक है। इसको इसको ही आपने समझना है, एक डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न फॉलो होता है,
और उसके बहुत ही इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है, इधर से है, फिर इधर जाएगा, ठीक है, फिर धीरे से हो जाए, वो हमें एज्यूम पता नहीं चलता कि डिफ्लेक्शन आ रहा है। मंदिर का घंटा भी देखोगे ना, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन ऐसे करके, और फिर इस तरह से वो बना हो जाता है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड डेविएशन पे वेरिएशन, एक स्टैंडर्ड डेविएशन पे है, ये दो पे है, तीन से, तो ऐसे ही चला जाता है, ठीक है। इसका मतलब जो एक स्टैंडर्ड डेविएशन पे डेटा होगा फिक्स है 66%, दो पे जाओगे 95, तीन पे जाओगे 99.7, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ आपको क्या समझना है कि हमारे पास क्या तीन चीज़ें हैं, वो क्या क्या हैं। एक एक्स आई है, दूसरा एक्स बार है, तीसरा एन है, और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर एक्स आई के बारे में समझ में आ गया आपको, एक्स आई क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, उसके अंदर मीन कितने हैं जो आपने स्टडी करी, उसमें मीन हो सकता है एक, दो, और दो से ज्यादा, ठीक है। सैंपल साइज हम लोग करते हैं तो 30 है, या 30 से ज्यादा है, ठीक है, 30, 30 से कम, 30 से कम है, 30, 30 से कम है तो हम स्मॉल मान लेते हैं, ठीक है, और ये थोड़ा सा लार्ज है, बहुत ज़्यादा नहीं है, सैंपल साइज जो है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपका जो ग्रुप है, मीन कितने आ रहे हैं आपकी स्टडी में, एक आ रहा है, दो आ रहा है, या दो से ज़्यादा आ रहा है। ज़्यादातर क्या होता है, मीन कितने होते हैं, दो। हम स्टडी में क्या कंपेयर ही कर रहे हैं, एक से, एक पैटर्न से हमारा दूसरा पैटर्न अच्छा है, तो कम से कम कितने ग्रुप होते हैं, तो ठीक है, ज्यादा कितने भी हो बोलो, यहाँ कोई कंफ्यूजन, कम से कम कितने होते हैं ग्रुप, तो ठीक है, और किसको, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे सैंपल साइज मैंने बता दिया, किसी भी स्टडी में या तो तीन, 30, 30 से कम, या फिर 30 से ज्यादा होंगे। अब आपको कौन कौन से टेस्ट पता है जो आपने कभी सुने हो, जैसे रोहित ने बताया नोवा, नोवा काई स्क्वायर है, F1, F मान लो, F1 F2 एनोवा के हो जाते हैं, वन वे टू वे मल्टीपल पे, और टी टेस्ट, स्टूडेंट टी टेस्ट हो गया, चलो इसको ऐसे लग सकता हूँ, हाँ चाई स्क्वायर काई स्क्वायर यही हो गया, ठीक है, और जाके, और ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको आज ही बताना शुरू कर दोगे कौन सा टेस्ट कब लगाना है। तीन चीजें अगर बताएं, पहली चीज क्या है, पहला क्या बताया मैंने, हैं एन क्या है, व्हाट इज एन, डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यस और नो, ठीक है, पहली बात तो हम ये करेंगे। दूसरा, आपकी स्टडी में नंबर ऑफ मीन्स कितने हैं, है ना। तीसरा, आपका सैंपल साइज क्या, ओनली थ्री थिंग्स इज रिक्वायर्ड, बोलो। अब टी टेस्ट कोई बंदा लगाना चाह रहा, कब लगाएगा, ये टिक हो गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ग्रुप कितने होना चाहिए, दो ग्रुप होने चाहिए, सैंपल साइज लेस देन इक्वेलेंट टू 30, ठीक है, 30 लोग जो है होना चाहिए आपकी स्टडी के लिए, 30 से कम होंगे टी टेस्ट लगेगा। जेड टेस्ट कब लगेगा, आपने बताया नहीं, जेड अगेन, जेड टेस्ट टी टेस्ट इज कजिन्स है, कजिन नहीं कहेंगे हम, ये छोटा भाई, ये बड़ा भाई, बड़ा भाई का मतलब यहाँ पे 30 से ज्यादा हो जाएगा, एवरीथिंग विल रिमेन सेम,
बोलो, जेड टेस्ट कब लगेगा? जब डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसमें जो है कंपेरिजन बिटवीन टू ग्रुप्स हो और सैंपल साइज 30 से ज़्यादा हो। बताओ, हो जाएगा? हो जाएगा? अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग बताना कौन सा टेस्ट करना है। हाँ, ये क्लास कितने टाइम की होती है? ड्यूरेशन कितना है इस क्लास का? 1 आवर मीन्स 60 मिनट। हमने कितने 10 दिन क्लास ली, ठीक है? किसी दिन हमने पढ़ाया, किसी दिन 50, किसी दिन 60, किसी दिन कोई भी मान लेते हैं डॉट 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 डॉट, ठीक है? नाउ यू हैव टू स्टेट वेदर आई एम फॉलोइंग दी प्रॉपर ड्यूरेशन ऑफ द क्लास। मतलब ये स्टेटमेंट है, वाइस चांसलर ने पूछा कि जो जो पीएचडी की क्लास होती है दैट फॉलोज द गिवन ड्यूरेशन, यस और नॉट? क्या कहोगे आप? हैं, एक बंदा तो ये देखेगा, ये वाला सर जी बुधवार को 50 मिनट ली थी, ठीक है? ये भी लिख लेते हैं ना, किसी दिन 65 भी हो सकते हैं। अब बोलो क्या करें, कौन सा टेस्ट लगाओ पहले तो ये बताओ। विच टेस्ट वी नीड टू अप्लाई? वेरियंस टेस्ट? अरे अभी हमने एक ही टेस्ट पढ़ाया, नेचुरल सी बात वही है। जैसे हम आगे पढ़ाते हैं, अब कैसे, हमने क्या बताया था? अच्छा, यहाँ एक कंडीशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो वो तो लिखा हुआ आएगा आपका, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है, ठीक है? दूसरा क्या है, मीन कितने हैं यहाँ पे? भाई आप यहाँ पे एवरेज निकालोगे ना, हो सकता है यहाँ पे एवरेज निकालोगे ना, ठीक है? एवरेज आ गया 55 मिनट, और ये क्या है, एवरेज ही है ना एक्चुअली। ये क्लास होनी कितनी चाहिए, 60 मिनट की, ठीक है? तो ऑन एन एवरेज 60 मिनट आना चाहिए था, बट आया 55 है। तो आपके क्या है, दो मीन है आपके पास, और सैम्पल साइज कितने हैं आपके पास? कितने हमने बताया कितने दिन का डेटा है? 10 दिन का, 10 डेज। तो 10 डेज मतलब टी टेस्ट है ना, समझ में आ गया आपको? टी टेस्ट समझ में आया नहीं आया, ठीक है? लेकिन वो ये चाह रहे थे कि जो यहाँ की क्लास है फार्मा की और साइंस की क्लास है, ठीक है, उनकी ड्यूरेशन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये घंटा दोनों को दिया गया। आप क्या करेंगे? सपोज हमने क्या करा, कोई और 10 दिन का टाइम ले लिया, रैंडमली ले लिया, यहाँ भी बायस नहीं होना हमने, ठीक है? फार्मा क्लास का आपका 60 मिनट, ठीक है, 55, ऐसे समथिंग समथिंग आ गया, यहाँ अब आ गया 70, 60, 55 डॉट डॉट डॉट, इसका एवरेज आ गया 55, इसका एवरेज आ गया 60, 1 कर देते हैं, ठीक है? बोलो यहाँ पे कितने कैंडिडेट थे? 10, 10 दिन थे कैंडिडेट के, 10 दिन यहाँ भी थे। कौन सा टेस्ट बोलो, टी टेस्ट? क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशन कितनी है आपकी, एन कितना है? यहाँ तो एन देखा आपने, यहाँ पे आपने मीन देखा, दो आया। तीसरी चीज देखना है, वो अंडरस्टूड होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल। बोलो, बता दोगे आप फटाफट, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमने टाइम चेंज कर दिया, टाइम चेंज मतलब पहले हम मॉर्निंग क्लास लेते थे, ठीक है? अभी जो है आपने क्या कर दिया, इवनिंग कर दिया, ठीक है? सेम पर्सन सेम बंदे, ठीक है? अब आपको करना है ड्यूरेशन का। तो जो मॉर्निंग चलती थी
ठीक है, उन्हीं बंदों की उसी दिन में उसका ड्यूरेशन, और इवनिंग में। यहाँ भी दो अलग अलग ग्रुप बन रहे हैं, मॉर्निंग का अलग इवनिंग का अलग, तो आपको अगेन क्या आएगा, टी टेस्ट ही आएगा। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा इसको हम मॉडिफाई करें। ओके, चलो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, आप लोगों ने हमने एग्जाम कंडक्ट कर दिया आज, टाइम तो है ही, आप लोग है टाइम, है बोला साल नहीं है टाइम, अब एग्जाम ले लेते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन कर लेंगे, आपकी अलग अलग परफॉर्मेंस होगी, नेचुरल सी बात है, आएगी नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों का स्कोर आया मान लो 6 5 4 2। ठीक है, इतने ही लोग हैं, आउट ऑफ कितना ले लें बताओ, 10। ठीक है, फिर आपको एक हफ्ते पढ़ाया तो आपका स्कोर आया 6 7 8 3, है ना, जो भी है। तो यहाँ पे जब आपने पढ़ा तो नेचुरल सी बात इफेक्ट आया, तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगेगा, बिफोर क्लास आफ्टर क्लास। लोग कितने हैं, 4, इसका मतलब टी टेस्ट की तरफ जा रहे हैं। ग्रुप 2 है टी टेस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन हम बताएंगे आपको नॉर्मल है कि नहीं है टी टेस्ट। ठीक है, समझ आया आपको क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो आपको आपको आइडेंटिफाई करना है बड़े आसानी से, कोशिश करना है आप इसको आइडेंटिफाई कर लो। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि सालनी कौन सा मोबाइल तुम्हारे पास, विच कंपनी मोबाइल यू हैव, माई फोन। अच्छा कोई बात नहीं, चल रहा है आईफोन है। ठीक है, आईफोन ऑन करते ही कितने सेकंड डिस्प्ले आ जाता, 10 मिनट। कौन सा है, 2 मिनट, मेरे पास भी है, ये तो जल्दी आ जाता, स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करा। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, हमें क्या करना है, अल्टीमेटली हम करना क्या चाह रहे थे कि आपका आईफोन जो है, कंपनी ये कह रही है कि ये 5 सेकंड में डिस्प्ले ऑन कर दे। ठीक है, 5 सेकंड के अंदर। नहीं करता, कितने करता है, 50 सेकंड ले लें, चलो तुम्हारी तरफ। ठीक, कोई बात नहीं, 50 सेकंड मान लेते हैं, अगर ये मेरी क्लास आईफोन वालों ने सुनी तो वो पकड़ा जाएंगे। ठीक है, ठीक है, 50 सेकंड ऑन हो जाता है, राइट, ये स्टेटमेंट है आईफोन वालों का, और आपको इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है, स्टेटमेंट वेदर दिस स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग, बस इतनी बताना है। बोलो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, रिसर्च प्रोसेस का पार्ट है, क्या करना पड़ेगा, हाउ यू वेरीफाई द स्टेटमेंट दैट इज टाइम कैसे, आओ कैमरा कहाँ से आ गया। वेरिफिकेशन के लिए हाँ तो क्या करना पड़ेगा, एक चीज तो यही हो सकती है कि हम शालिनी का फोन बार बार स्विच ऑफ करें, ऑन कर रहे हैं स्विच ऑफ। दूसरा सेम मॉडल, ठीक है, कई सारे, हाँ फोन की मैप भी दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं तो कई सारे ले लिए हमने। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कितना दिया था, 50 सेकंड, और ये आपका जो है कई सारी रीडिंग आए लेकिन एवरेज आ गया 48 सेकंड। ठीक है, क्या कहोगे, व्हाट इज द स्टेटमेंट, क्या रहेगा आपका, कंपनी ने क्लेम क्या किया कि दिस इज ऑपरेशन टाइम इज 50 सेकेंड। ठीक है, आपने एवरेज निकाला 48 सेकेंड, व्हाट विल बी द स्टेटमेंट। यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है, एक दिस डिफरेंस कुड बी बाय चांस,
बाई चांस का मतलब यह है कि 50 और 48 में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। वो कैसे पता चलेगा, कौन सा टेस्ट लगाओगे? विच टेस्ट यूनिट टू अप्लाई बोलो। अभी तो हम पढ़ ही रहे हैं, टी टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, और कुछ बात ही नहीं करा। एक मीन दो मीन है और नंबर आप यहाँ पे 10 20 जितने भी हैं, ठीक है? दिख रहा है आपको? उसको उधर कर दो, पीछे खींच दो, कोई भी खींच दो। हमारा क्लास हो गया है 60 मिनट का, ठीक है? 60 मिनट इज डन। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कब टेस्ट कौन सा अप्लाई करना है, बिकॉज मैंने आपको बता दिया कि जो स्टेटिस्टिक है वो कब शुरू हो जाता है। स्टैटिक प्रोसेस बताओ, साल नहीं बताओ, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कब शुरू हो जाता है? जब आप रिसर्च कर रहे हो कब जरूरत पड़ती है स्टैटिस्टिक की? रिसर्च करने के पहले, रिसर्च करने के बाद, या रिसर्च करने वक्त? ड्यूरिंग कंपेरिजन, मतलब रिजल्ट लगभग रिजल्ट आने लगे तभी बोलती है, ठीक है? तो हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का रोल रिसर्च, जब आप सोचना शुरू कर देते हो तब से स्टार्ट हो जाता है। हाँ, है? हाँ नहीं, काई स्क्वायर भी बहुत यूज होता है सर्वे में, वो तो हम डिस्कस करेंगे। हाँ नहीं, वो लोगों को जितना पता है उतना ही करेंगे, ठीक है? सो दैट वी विल डू। अभी आप ये सोचो कि जो स्टेट्स का लाइन, जैसे मैंने पहले ही बताया, पहला ही है पॉपुलेशन से जब आप सैंपल ले रहे हो, सैंपल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं कर रहा है, यहीं पे स्टेटिस्टिकल एनालिसिस होगी। अगर ऐसे स्टेटिस्टिकल एनालिसिस में फेल हो जाते हैं तो आपकी पूरी स्टडी इनवैलिड हो जाएगा, फुल स्टडी इनवैलिड, ठीक है? तो वो सी चीज़ें डिस्कस ऑन द नेक्स्ट क्लास, ओके? यू कैन क्लोज इट।